देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं मीरा मैडम और उनके हस्बैंड सतीश सर को बुला के लाता हूँ। ये मीरा और उनके हस्बैंड मिलकर ही आश्रम चलाते हैं? जी, वो दोनों ही तो सब कुछ है यहाँ के, बहुत ही अच्छे लोग हैं वो लोग। आप लोग बैठिए, मैं मीरा मैडम और सर को बुला के लाता हूँ। थैंक यू, चलो बैठते। हाय, हमी जी, क्या हुआ? ठीक तो है ना? क्या हुआ दीदा, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं? हाँ हाँ ले चलते हैं। हाँ ले चलते। अरे मैं गाड़ी निकालता हूँ। बैठ जा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बहुत खुश हूँ ना, इसलिए मैंने ऐसे दिल पे हाथ रख लिया है। क्या? में? क्या आप भी ना, डरा दिया था आपने हमें अभी। क्या ओवर एक्टिंग करती हैं आप। अरे खुशी को मिलने की खुशी इतनी है ना कि ओवर एक्टिंग लग रही है तुम सबको। खुशी? खुशी? मैं अभी आया। ऐसे कैसे पार्वती मुझे भूल गई और चली गई? घर जाएंगी तभी क्या उन्हें याद आएगा क्या कि मैंने तो खुशी भूल गई? अब वो वापस आएंगे ना तो मैं अपनी इस ड्रेस को उनके साड़ी के पल्लू पे बांध ही दूंगी ताकि वो मुझे वापस ले जाए और वापस भूले ना। मुझे महसूस तो हुआ था कि खुशी यहीं पे है, वो कहाँ है? आप इसे रो क्यों रहे हो? आप क्या हो गया? आपको अकेला अकेला लग रहा है क्या? आप नहीं हो अकेले, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आया हूं ना आपसे मिलने के लिए, मैं आपको ऐसा अकेला थोड़ी छोड़ दूंगा, मैं आपको लेने आया हूं। लेकिन पार्वती तो भूल गई। कोई नहीं भूला है आपको बच्चा, कोई नहीं भूला है। मैं भूला आपको? नहीं ना। मैं क्यों आया हूँ आज यहाँ पे? मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपके साथ रह सकूँ। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। याद है रणबीर, खुशी हमेशा रहेंगे। मैं आपको घर लेके जाने के लिए आया हूँ ना। लेकिन पार्वती नहीं ले गई। आपको पता है घर पे कितना कुछ है आपके लिए? हम पूरे घर में इतना खुश हैं और आप आने के बाद हम सबके साथ रहोगे, खूब सारा नाश्ता करेंगे, बड़ा पाव खाएंगे, मजा आने वाला है। हम बहुत मजे करेंगे, पता है आपको? बहुत सारा बड़ा पाव खाएंगे। अरे आंटी, आप लोग, आप सब मेरे लिए आए हो? और नहीं तो क्या। मिला बच्चा, हम आपके लिए आए यहाँ पर। खुशी मेरा बच्चा। रणबीर, तुझे पेपर वर्क के लिए ऑफिस में बुला रहे। अभी अभी नॉट आया। अभी आया। कैसे हो आप? आपने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करोगे ना? बिल्कुल पूरा करेंगे हम। हम आपको घर ले जाएंगे। राजी बेटा, इतना दुखी मत हो। भगवान ने तुझे तेरी बेटी दी है ना, तो तेरे पास भी दे देगा। पता नहीं क्यों विश्वास ही नहीं हो रहा कि सब अच्छा होगा। राजीव, उन्होंने तेरी पंची को दूध से मिलाया, इतना बड़ा चमत्कार किया, और तू थोड़ा सा भरोसा रख, दिखना सब ठीक हो जाएगा। मत पूछना सब ठीक हो जाएगा। जब भी आप दोनों बोलते हैं ना सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, तो मुझे भी लगता है हाँ सब ठीक हो जाएगा क्योंकि आप कह रही है। लेकिन क्या होता है, कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए प्लीज मत बोलो सब ठीक हो जाएगा, नहीं हो रहा है कुछ ठीक। अच्छा बाबा, नहीं बोलेंगे, एक बात जरूर बोलूंगी, जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं ना तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलते हैं। और तुझे पता है वो दूसरा दरवाजा पहले दरवाजे से ज्यादा अच्छा होता है। अभी सीधा घर जाते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना बेटा कि दूसरा रास्ता ना हो। दूसरा रास्ता, पर दूसरे रास्ते की जरूरत हमेशा
मेरे लिए क्यों होती है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? जब भी मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा तभी ऐसा क्यों हो जाता है? और अब जब मुझे पता है कि खुशी मेरी पंछी है, मेरी बेटी है, तो मैं उसे वापस लाऊंगी अपने पास, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तब ऐसा क्यों? ये फाइल सर को दे देना। जी मैम। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। मिस्टर रणबीर राइट? जी हाँ जी, रणबीर। बताइए मुझे क्या करना होगा? प्लीज फिल दिस फॉर्म, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ओके, थैंक यू। बाय द वे मीरा जी, मैं वो खुशी है ना, उसको अडॉप्ट करने के लिए आया, कर सकता हूँ ना? व्हाई नॉट, आप खुशी को अडॉप्ट कर सकते हैं। आपकी फैमिली अच्छी है, आपका परिवार मैंने देखा है, भरा पूरा परिवार है, बच्चे को एक अच्छी फैमिली मिलेगी, एक अच्छा परिवार मिलेगा, यही तो हम चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो हमारे ऑर्फनेज में जितने भी पेरेंट्स आते हैं, हम एक पेरेंट का नाम दूसरे पेरेंट को बताते नहीं है। इनफैक्ट हम इन्फॉर्मेशन भी अडॉप्टर की बताते नहीं। आज पता नहीं कुछ अजीब सा हुआ। क्या हुआ? नहीं मतलब अगर आप बताना चाहती हो तो बता सकती हैं, वरना आई विश मैं आपको उनका नाम बता पाती, लेकिन हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। कोई नहीं, मत बताइए। पर ऐसा हुआ क्या? हमारे यहाँ एक मैम आई, शी इज वेरी गुड, काइंड हार्टेड, रईस फैमिली को बिलोंग करती हैं, उनका नेचर भी अच्छा है, पर अचानक उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। आई मीन हमारे भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन स्ट्रेंज। और क्या किया उन्होंने? मैम हाँ, या टेल मी। सर ने ये फाइल दीजिए। ओके, उन्होंने कहा जब तक वो नहीं आते आप ये फाइल देख लो तो अच्छा। हाँ तो देख लूंगी। ओके मैम, दे आई विल डू इट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं ये फाइल देख लूं। हाँ प्लीज, डेफिनेटली प्लीज। तब तक आप फॉर्म भर दीजिए। जी जी जी, बस हो गई ऑलमोस्ट। पेन चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, पेन चाहिए नहीं, हो गया, जितना जरूरी था भरना उतना भर दिया। एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज। ये लीजिए। लेट मी सी, बाकी तो सब सही है। आपने इसमें अपनी वाइफ का नाम नहीं लिखा है? प्लीज राइट इट, राइट इट। वाइफ का नाम लिखना जरूरी क्यों है? मतलब जो चीजें जरूरी थी वो मैंने भर दी है, आई डोंट थिंक उसकी जरूरत है। ये लीजिए, बाकी सब भर दिया मैंने। उसकी जरूरत है, इट्स इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट आपको बच्चा हैंड ओवर करने से पहले आपकी वाइफ से मिलना भी चाहेंगे। अरे कैसे नहीं मिल सकते आप ऐसे? मेरा मतलब ये है कि मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों साथ में नहीं है, वी आर सेपरेटेड, हम अलग अलग रहते हैं। वॉट जी, समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल ये हो क्या रहा है लोगों को? हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहते, अलग हो चुके हैं, फिर भी उन्हें बच्चा चाहिए। शादी करो, बच्चे करो, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है ना। आई एम सॉरी, आप खुशी को तो क्या किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं मैम, ऐसा मत बोलिए। आपने देखा ना, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा पिता भी हूँ, और आपने मेरे परिवार को देखा, मेरे परिवार में कितने सारे लोग हैं, कैसा हरा भरा परिवार है मेरा। खुशी जब मेरे घर आएगी ना, आप समझिए, उसको सिर्फ पिता का नहीं, उसको दादाजी का प्यार मिलेगा, दादी का प्यार मिलेगा, चाचा चाची सबका प्यार मिलेगा, हम बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे उसकी। पर इतना काफी नहीं है। देखिए मैम, शादी की जहां तक बात है, मेरी रिया से शादी होने वाली है। रिया एक लड़की है जिससे मेरी शादी फाइनल हो गई है, अभी नहीं हुई है बट कुछ टाइम में हो जाएगी, तब तक मैं खुशी को अडॉप्ट कर लेता हूँ। देखिए मैम, मैं आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे लिए खुशी को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, और मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकता हूँ, मेरी पूरी फैमिली ख्याल रख सकती है उसका। मैंने उससे वादा किया बेचारी से कि मैं उसको घर लेके जाऊंगा, प्लीज ऐसे मत कीजिए। आपकी फैमिली स्टेबल नहीं है और आपकी शादी नहीं हुई है। मैम शादी होने वाली है बस। तो फिर अच्छा है, आप पहले शादी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ अडॉप्शन के लिए आइए। लेकिन मैम, ये मेरा सजेशन है आपको। मैम आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी मम्मी है, दादी है, यस मैम, इनकी फैमिली को लेके आइए। जी मैम, फाइल मत बंद कीजिए, आप एक बार देख लीजिए। मैं खुशी के साथ जो लगाव है वो देखते मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया, और डीएनए टेस्ट से क्या पता चला मुझे कि खुशी मेरी ही तो पंछी है। You know what?
जब मुझे पता चला कि खुशी ही पंछी है, जब मैंने सुना था, I was so happy. मैं बहुत खुश थी. It was like a miracle come true. पर रणबीर अब अच्छा नहीं लग रहा है. इससे अच्छा तो ये होता कि मुझे ये बात पता ही नहीं होती, क्योंकि तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. अब बहुत बुरा लग रहा है ये सोच के. मैं पंछी का सच जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी बहन को नहीं बता पा रही. रणबीर ये गलत है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है. She deserves to know the truth. शाहना, ये प्राची अंदर क्यों नहीं आ रही है? दादी, ऐसा लग रहा है कि कुछ देख लेना उसे अकेला छोड़ देते हैं. नहीं बेटा, नहीं. अगर उसे अकेला छोड़ा ना तो वो और उदास होगी. प्राची बेटा, अंदर आके खाना खा ले. नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है. भूख नहीं है क्या मतलब? संभाल के दादी. ऐसे कैसे कह रही है कि भूख नहीं है? भूख हो ना हो, अंदर चल के खाना खा प्राची. अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, तो मैं रिया को फोन करूंगी और वो तुझे इस हालत में देखेगी ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा. ला दे फोन. नहीं दादी, अब रिया को कॉल नहीं करेंगे. नहीं, कोई और वजह नहीं है. इसलिए नहीं कि वो यहाँ आ जाएगी, बस मैं नहीं चाहती कि रिया को कुछ भी पता चले. वो यहाँ आएगी तो उसे पता चलेगा ना कि खुशी पंछी है. फिर वो रणबीर को बता देगी और रणबीर को नहीं पता चलना चाहिए. इसीलिए मैं वैसे ही उसे फोन करने ही वाली थी. क्या करूं? फोन करूं प्राची को? मुझे उसे फोन करना होगा, मुझे उसे सच बताना होगा. मैं पता नहीं, लग नहीं रहा है. इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? दोबारा ट्राई करती हूँ. उसका फोन आया. बात कर. हेलो रिया. प्राची, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी रिया, तुम पंछी की मासी हो. पंछी के ऊपर तुम्हारा भी हक है, पर मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती. प्राची, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ. तुमने सुबह सुबह फोन कैसे किया? वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था. क्या? प्राची, एक्चुअली वो तुम्हें मेरी कसम है, तुम प्राची को कुछ नहीं बताओगी. मेरी कसम. रिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ऑल ओके? हाँ प्राची, सब ठीक है. कोई बात नहीं है. एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी. याद आ रही थी मुझे तुम्हारी प्राची. रिया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है. मैं भी तुम्हें अभी मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा. मैं बहुत जल्द मिलूंगी तुमसे. I'll meet you soon, okay? अपना ख्याल रखना. मैं रखती हूँ प्राची, मुझे जाना है. Oh God, ये कैसी मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे. एक तरफ रणबीर है, एक तरफ प्राची है. मैं क्या करूं? मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ. दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. मैं प्राची को सच बता नहीं सकती और रणबीर नहीं चाहता कि मैं सच बताऊं. मैम, मैम, मैम सुनिए, एक सेकंड मैम सुनिए मेरी बात. आप क्या बोल रही हैं? आप कहना चाहती हैं कि अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता? यस. आर यू सीरियस? मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनकी शादी नहीं होती लेकिन वो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं. अब मेरे साथ ही क्यों कर रही है ऐसा? और आपके लॉजिक के हिसाब से, इस संस्था के लॉजिक के हिसाब से, मेरी अर्निंग्स, मेरी फैमिली, मेरा बैकग्राउंड, मेरा घर और जो प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ बच्ची के फ्यूचर के लिए, वो सब मायने ही नहीं रखता है. मायने रखता है तो मेरा मैरिटल स्टेटस, कि मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई है. हेलो, या प्लीज कम एज अर्ली एज पॉसिबल. मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए. बोलिए कि मैं गलत समझ लिया. प्लीज हैंडल दिस. क्या हुआ, क्या बात है? नहीं आप बताइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना. ये कैसा रूल है आपका? सुबह से ये दूसरा केस है. नाउ आई कांट हैंडल दिस. सुबह भी एक लेडी आई थी अडॉप्शन के लिए, मैंने उनको भी मना कर दिया बिकॉज शी वॉज सेपरेटेड.
एंड इवन ही सेपरेटेड. अरे तो मैं शादी कर लूंगा ना, यही क्राइटेरिया ना कि मेरी शादी होनी चाहिए, मेरी शादी होने वाली है. आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो दिक्कत क्या है, अडॉप्ट करने दीजिए ना मुझे. अभी आपको बोल दिया ना, बात यही खत्म हुई, अब आप जाइए यहाँ से. एक सेकेंड, आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं और आप कैसे कर सकते हैं मुझसे ऐसे बात. प्लीज आप जाइए यहाँ से. मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी बच्ची को यहाँ से लेके नहीं जाता. और आप लोग कौन होते हैं मुझे रोकने वाले. खुशी मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, वो मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ. मेरा खून, मेरा डीएनए सब उससे मेल खाता है. मेरा अंश है वो, मेरी खुद की बेटी. और आप लोग मुझे मना कर रहे हैं. आप चाहे कुछ भी कर लीजिए सर, आप चाहे कुछ भी कह दीजिए मैम, मैं यहाँ से खुशी को लेके ही जाऊंगा. जब तक मैं खुशी को लेके नहीं जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा. आपको जो करना है कर लीजिए, मेरा हक बनता है. आप दोनों के लिए, आपके खुशी, आपके लिए ट्रॉफी. और जो दादी ने मुझे चॉकलेट दी थी ना, वो हम दोनों मिलकर खाएंगे. क्या मैं गंदी बच्ची हूँ? क्या मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ? बहुत बुरी हूँ. नहीं पुत्र, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? तुम तो बहुत 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 अच्छी हो, सबसे अच्छी और सबसे प्यारी. हाँ आप तो इतने प्यारे हो कि जब हमने आपको नहीं भी देखा था ना, तब भी हम आपसे इतना सारा प्यार करते थे. यू आर द बेस्ट. आप इतने अच्छे हो कि हम सबको आपसे प्यार हो गया. लेकिन एक बात बताओ, आपने ऐसे क्यों पूछा? ऐसा कभी मत सोचना कि आप अकेले. पर मुझे लगा था पार्वती मुझसे प्यार करती है. वो मुझे भूल गई, वो मुझसे प्यार नहीं करती है. नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा क्यों बोल रही है? पार्वती पूरी दुनिया भूल सकती है, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकती. तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है. और तुम्हें पता है, हम सब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं. हाँ बेटा, हम सब तुम्हें बहुत 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 प्यार करते हैं, सच्ची. तुम तो हमारी लाडली हो. इनफैक्ट वी आर सॉरी, हमें तुम्हें यहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए था. लेकिन अभी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे. और मायने भी मम्मा जैसा प्यार नहीं किया मुझे. मैं बहुत बूढ़ी लड़की हूँ, इसलिए भगवान जी ने मुझे अकेला छोड़ दिया. कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है. मैं बहुत बुरी हूँ. खुशी, नहीं बेटा, हम बिल्कुल अकेले नहीं है. हम है ना बेटा, हम आपका परिवार है. सच में मैं हूँ वो दादी है ना, वो तुम्हारी बड़ी दादी है. हाँ, और जो शिव है ना, वो तुम्हारे पापा है. हम सब आपका परिवार है. सच में तुम हमारे घर की बच्ची हो, हमारी बच्ची हो. तुम मैं आपकी हूँ, हमारी बच्ची. वो बचपन में तुम खो गई थी ना, लेकिन अब भगवान जी ने तुम्हें हमें लौटा दिया. इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना. कभी भी नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम सब है तुम्हारे पास. सॉरी बेटा, हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए थे. हमें पता नहीं था कि तुम हो. लेकिन अब तुम मिल गई हो ना,
अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हमसे दूर कभी नहीं होने देंगे मेरा बच्चा। अब हमेशा हम तुम्हें हमारे पास रखेंगे, कभी अलग नहीं होने देंगे, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे हम। आई लव यू बेटा, हम सब तुम्हें बहुत 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 प्यार करते हैं। तुम्हें पता है, हाँ, तुम्हारे पापा रणबीर है ना, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अरे तुम्हारे पापा रणबीर की तो तुम छोटी सी जान हो जान, और थोड़ी सी मेरी भी। सच में खुश, हम सब आपसे बहुत 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 सारा प्यार करते हैं। तो कभी मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज। कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्रॉमिस। मुझे अपने शिव के साथ रहना है, अपने पार्वती के साथ रहना है, उन दोनों के साथ रहना है। उत्तर, पार्वती का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे हम अभी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये दीदा का वादा है तुझसे। और मेरा भी, मेरा भी तुझे जी भर के गले नहीं लगा, जी भर के प्यार नहीं, लेकिन अब तो मैं बहुत सारा प्यार करूंगी, बहुत सारा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी, मेरी छोटी सी खुशी, तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी मैं, जी भर के प्यार करूंगी, मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। आप लोगों को जरूरी काम से ऑफिस बुलाया है, अर्जेंट है। क्या जरूरी काम है? खुशी से रिलेटेड कुछ है क्या? हाँ। अरे आप लोग मत जाओ ना, मुझे और बताओ ना प्लीज। जाइए आप लोग जल्दी। हाँ बस 5 मिनट। बोला ना अर्जेंट है। हम 5 मिनट बात करेंगे, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा उसमें। बच्ची का मन रखने के लिए अगर 5 मिनट बात कर ली तो क्या हो जाता? वैसे भी यहाँ बात बात करना बहुत जरूरी नहीं होता है। और एक बात और बता दूँ, बच्ची अभी आपकी हुई नहीं है, तो आप लोग इससे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चल खुशी। अरे ये क्या कर रही हैं? बच्ची का हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए उसका। आप अपना काम कीजिए, ऑफिस जाइए, इसे मैं देख लूंगी।